देखो, इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप कम से कम भेड़ चाल चलें और दूसरों को जो भेड़ चाल चल के हम लोग इफेक्ट कर देते हैं वो कम से कम करें, ठीक है। तो मेन इस वीडियो से आपको तीन फायदे होंगे। पहला फायदा, आप थोड़े से स्मार्ट बन जाओगे। दूसरा, इस चीज़ को आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, शेयर मार्केट में, बिजनेस में, अपनी जॉब में, कहीं भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े से ज़्यादा अगर स्मार्ट बनना चाहोगे तो उसके साथ एक नेगेटिव चीज़ आएगी कि आप थोड़े से शकी हो जाओगे, ठीक है। हर चीज़ पे लगा लो, हर दूसरी चीज़ पे शक करना, हर दूसरे इंसान पे शक करना, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा सतर्क हो जाते हो और भेड़ चाल का तो फिर वहाँ पर मतलब ही नहीं रह जाता कि आप भेड़ चाल चलोगे। इस चीज़ से नेगेटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन भेड़ चाल चलने से बहुत बेटर है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो उस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, रिसर्च में ये पाया गया, साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो ये पाया कि 95% लोग भेड़ चाल चलते हैं और 5% लोग होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं या उन भेड़ों को अपने पीछे खींचते हैं या इन्फ्लुएंसर होते हैं रियल में। बाकी 95% लोग भेड़ चाल चलते हैं। जो आजकल के इन्फ्लुएंसर हैं ना, वो भी भेड़ चाल चलने वाले हैं। वो भी वही वीडियोस बनाएंगे जो बाकी बना रहे हैं, वो भी वही काम करेंगे जो बाकी कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी, जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था या जब भी कोई भी चीज़ चल रही होती है तो सामने आके यूट्यूबर्स हो गए या कोई भी एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म पे बंदा आके वही बोलेगा जो जनता सुनना चाहती है। वो भेड़ चाल चलेगा, वो नया कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है उसको गालियाँ पड़ जाएंगी, बेशक उसे सच या झूठ का फर्क पता हो, तब भी वो वही बोलेगा जो जनता सुनना चाहती है, क्योंकि जनता को वही चीज़ें पसंद है जो उनको कंफर्ट में रखें। और इस चीज़ से बड़ा कंफर्ट क्या हो सकता है कि जो हम सुनना चाहते हैं हमें वही सुनने को मिल रहा है। लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ आता है जहाँ जनता सी चीज़ एक चीज़ के पीछे चल रही हो और वो भी उसी चीज़ के पीछे चली जाए। इस चीज़ का कारण भी बताऊंगा और ये चीज़ कितनी ठीक है कितनी गलत है उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। देखो, कारण की बात कर लेते हैं हम। कारण क्या है कि देखो, हम एक सोशल एनिमल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दूसरा इंसान कुछ कर रहा हो, हमारे आसपास दुनिया जो कर रही है उसका हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा मेरे भाई उस चीज़ का जो आसपास हमारे दुनिया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो चीज़ें हमारे दिमाग पे इफेक्ट डालेंगी। और आप ना एक मिनट के लिए अपना दिमाग चला के देखो, आप ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, कोई ऐसी चीज़ लाइफ में जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए या फिर इसी वजह से कर रहे हो कि आपकी आसपास की दुनिया कर रही है इसलिए आप कर रहे हो। हमें कमेंट करके ऐसा कोई भी अगर आपका इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो हमें ज़रूर बताना कि आप वो इसलिए कर रहे हो कि फलाना कर रहा है, या आप ये चीज़ इसलिए कर रहे हो कि आपके दोस्त कर रहे हैं या आपकी फैमिली कर रही है। तो ये चीज़ हमें बहुत, मतलब ये चीज़ हमें ज़रूर ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि और मेरा रिप्लाई भी पक्का आएगा आपको, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कारण तो ये हो गया कि हम एक सोशल एनिमल हैं। मैं भी कहीं ना कहीं दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँगा, कहीं ना कहीं दूसरों से इम्पैक्ट हो जाता हूँगा और सबकॉन्शियसली दूसरी चीज़ें करना शुरू कर देता हूँगा, ठीक है। ये चीज़ तो नॉर्मल हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के बड़े इम्पैक्ट के बारे में, ठीक है। जो मैंने बट लगाया ना, उसमें दो बट हैं यहाँ पे। पहला बट, एक तो आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एक होता है पूरी भीड़ को फॉलो करना, एक होता है इंसान को फॉलो करना। इंसान को फॉलो करना फिर भी ठीक है, भीड़ को फॉलो करना बिना सोचे समझे थोड़ा सा मुश्किल वाला हो सकता है। इंसान को भी आप आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी और दिन का टॉपिक है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल जनता के बारे में, कि जब हम जनता के पीछे पीछे चल देते हैं कि बहुत सारा क्राउड जा रहा है। अब उसके दो रीज़न होते हैं। देखो, कारण तो मैंने आपको बता दिया कि हम एक सोशल एनिमल हैं, और ये चीज़ें हम ऐसा करते क्यों हैं, हम बेवकूफियां क्यों करते हैं। जो मैंने आपको ठीक तरीका था वो बता दिया कि चलो भाई, मैं भी इम्पैक्ट होता हूँ, आप भी इम्पैक्ट हो गए कहीं ना कहीं। ये तो पॉजिटिव चीज़ें की बात हो गई। अब नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं। नेगेटिव वे में हम कभी इम्पैक्ट हो जाते हैं। नेगेटिव वे में हम इमोशनली फूल होते हैं। किसी को भी कह दो कि भाई फौज के नाम पे, आर्मी के नाम पे आप लाइक कर दो, वो लोग पागल हो जाते हैं वहां पे। अगर आर्मी के खिलाफ आप कुछ सवाल उठा दो कि नहीं यार, आर्मी में ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा, तो लोग पागल हो। तो लॉजिक तो है ही नहीं वहां पे। आपने कैसे बोल दिया कि भाई आर्मी में ये चीज़ गलत हो रही है, या आर्मी के बारे में आपने कैसे बोल दिया, लोग इतने इमोशनल फूल हो जाते हैं कि फैक्ट तक भूल जाते हैं, सवाल पूछने का हक ही खत्म कर देते हैं वहां पे, कि अगर आप सवाल भी पूछ पाए तो। चलो, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग भक्त बन जाते हैं उन चीज़ों के, कि नहीं यार ये जो चीज़ हो रही है बहुत ठीक हो रही है, बाकी इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि अगर वो कुछ सोचेंगे तो उनको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो अब ये तो हो गया पहला पॉइंट कि हम लोग इमोशनली फूल होते हैं, कई चीज़ों से इतना अटैच होते हैं कि हम लॉजिक चीज़ों को सोच भी नहीं पाते। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें ये लगता है कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं ना वो चीज़ तो ठीक होगी ही। एक छोटा सा एग्जांपल लगा लो, हम कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है, दूसरी जगह यार ज़्यादा लोग नहीं है, तो वो उसका खाना स्वाद होगा जिस पे भीड़ लगी हुई है। इसी चक्कर में आप भी चले जाओगे, ठीक है। अब इस चक्कर में आप चले गए, इस चक्कर में ही उसी दिन 10 लोग चले गए, आपको खाना ठीक ठाक लगा और आप अगली बार आए, अगली बार आपने ज़्यादा नहीं सोचा और आप वहीं चले गए और वही 10 लोग जिनको खाना वहाँ ठीक ठाक लगता है वही 10 लोग चढ़े हुए हैं, तो 11वां बंदा आएगा वो सोचेगा इसका खाना तो बहुत स्वाद है, वो भी उसी दुकान पर चढ़ेगा, बेशक दूसरी दुकान का खाना उससे भी ज़्यादा स्वाद हो। तो भाई साहब ये चेन जो बन जाती है ना, एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है कि आप ये सोच के गए थे कि वहाँ खाना बहुत स्वाद होगा, फिर आप ये सोचोगे कि नहीं यार खाना ठीक ही है क्योंकि आप माइंड बना के गए हो, उसका खाना नॉर्मल भी होगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप दिमाग में ये सोच के गए हो कि वहाँ तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब YouTube चैनल की लगा लो, हमारे चैनल पे आपको सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे इसलिए आप चार बार सोचोगे कि नहीं यार ये छोटा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। और वहीं पर कोई बड़ा चैनल होगा ना आप 2 मिनट नहीं लगाओगे सब्सक्राइब करने में क्योंकि वहाँ पर पहले से 1-2 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, और अगर पड़ता है नंबर से फ़र्क तो सब्सक्राइब कर देना, नंबर हमारे भी जल्दी हो जाएंगे आपकी वजह से, ठीक है ना। तो चलो ये तो बात हो गई कि हमें जहां हमें ज़्यादा नंबर दिखते हैं हम उस चीज़ को ये मान लेते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये चीज़, अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि जब हम इमोशनली फूल बनते हैं ना तो इमोशनली फूल बनने से पहले ये सोच लेना कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए तो आप इमोशनली फूल नहीं बनोगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जब आपको समझ हो कि किसको कैसे ट्रीट करना है, किसी के दर्द को कैसे समझना है। अब ऐसे नहीं होता कि जो गौरव और बाबा वाले, मैंने एग्जांपल दिया था एक बार कि गौरव ने वीडियो बनाई बाबा के पीछे लोग पागल हो गए, बाबा पैसे खा गया, गौरव खा गया, कोई भी खा गया, कटाक्ष जनता का, ठीक है, जनता का तो कट गया। अब भाई साहब अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती ना तो आप बाबा के लिए कभी डोनेट ही नहीं करते, आप उस वीडियो को उतने अच्छे से देखते ही नहीं। रीज़न, क्योंकि वो क्या कर रहा है वहाँ पे, वो इमोशनली फूल ही तो बना रहा है लोगों को। गौरव ने क्या किया अपनी वीडियो में कि आप इन बाबा रो रहे हैं इनकी हेल्प कर दो, एक बात बताओ मुझे, ठीक है। गौरव अगर हेल्प करना चाहता, चलो क्या पता वो छोटी मोटी डोनेशन चाहता था, वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई, उसे लगा था बाबा के लिए 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये आ जाएगा तो मैं बाबा को दे के निकल जाऊँगा, चीज़ें वहाँ पे बढ़ गई। चलो उस एग्जांपल को हम हटा देते हैं एक बार, बाकी भी बहुत सारे एग्जांपल हैं कि लोग कुछ वीडियोज़ देख के, कोई भी चीज़ देख के इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत का फ़र्क का नहीं पता लगता। भाई किसी की हेल्प करनी है ना, सामने किसी की हेल्प कर दोगे ना। अब कई लोग कहते हैं कि गरीबों को ना पैसे नहीं देने चाहिए, भाई पैसे मत दिया करो इनको ना खाना खिला दिया करो भाई साहब, और दुनिया यही कहती है। और पता है क्यों कहने लग गए, उसने कहीं सुना, उसने आगे आके ये बात चेप दी, उसे लगा होगा कि नहीं यार ये बात बहुत सही है, मैं आगे आके किसी को चेप देगा मेरे भाई मेरे को, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, देखो सॉल्यूशन मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट करो अपने अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपको ये पता हो कि भाई साहब सही क्या है और गलत क्या है, इमोशनली बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट नहीं कि आपको नंबर्स के बारे में पता हो, आपको ये पता हो कि आप जो कर रहे हो वो दूसरे के लिए किस तरह से इम्पैक्टफुल है, दूसरे की आप हेल्प कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। अब लोगों ने गौरव के अकाउंट में पैसा, गौरव की वाइफ के अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर दिया, बेवकूफ़ लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि भाई उसकी वाइफ के अकाउंट से वो पैसा निकालेगा भी या नहीं निकालेगा। वो बस क्या हुआ कि इमोशनली फूल इतना बन गए कि उन्होंने नहीं देखा कि किसका अकाउंट है, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। ये होते हैं इमोशनली फूल लोग, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि भाई ये पैसा गौरव के अकाउंट में जा रहा है, या उन्हें ये नहीं पता कि जो वो काम करना चाहते हैं वो अपने आसपास निकल के भी कर सकते हैं, बस उन्हें अपने कंफर्ट जोन में रह के करना है, क्योंकि फ़ोन से क्या है, फ़ोन से पेटीएम ही तो करना है। बाहर जाके हम किसी को रोटी खिलाएंगे, किसी की हेल्प करेंगे, उसमें मेहनत लगेगी ना भाई साहब, बाहर जाके ये काम करके देखो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपना छुटवाने से अच्छा है कि बाहर जाके लोगों की हेल्प करो। अब मैं एक और छोटी सी बात से वीडियो ख़त्म करूंगा कि भाई कोई भी काम हो ना, कोई भी बंदे को आप फॉलो कर रहे हो, मान लो आज आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया, तो उसके बाद भी अगर आपको कभी लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या कोई वीडियो गलत बना रहा हूँ, तो भाई साहब उसको हेल्दी वे में क्रिटिसाइज़ करना सीखो कि हाँ भाई मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ,
अंधभक्त मत बन जाना, ना किसी और के ना मेरे, ना मुझे अच्छा लगेगा और उस इंसान को अच्छा लगेगा, बाकी वो इंसान तो आप उसके अंधभक्त बन जाओगे, वो आपका चूकेगा फिर आके बैठ के। अब बार बार गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा, बस ये मान लो कि अगर अपना बेवकूफ़ नहीं बनवाना ना, तो भाई साहब सीधी सी एक बात है कि चीज़ों की रिसर्च करना शुरू करो। विवेक बिंद्रा ने ओला पे केस स्टडी बनाई, आप लोग उसको बिल्कुल सच मान के बैठ गए, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या बढ़िया बढ़िया कमेंट करने लग गए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना कि उस वीडियो की भी सच्चाई क्या थी, आपको पता लगेगा कि किस तरह से लोग इजीली आपको बेवकूफ मान जाते हैं और आप ये देखते हो कि नहीं यार इस चैनल पे तो 12-14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एग्जांपल है कि नंबर हमेशा सच नहीं बोलते, ठीक है। और वीडियो में जाने से पहले यही कहूँगा कि इतनी बड़ी वीडियो में से ना अगर एक दो पॉइंट भी आप अपने दिमाग के अंदर घुसा लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।